सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते, वो सीख क्यों नहीं पाते, इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने के बाद भी और अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ने के बाद, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी बोल क्यों नहीं पाते, उनको दिक्कत जाती कहाँ पर है? और सबसे पहली चीज़ कि वो लोग हेजिटेट क्यों होते हैं, वो मेन चीज़ें तो उन लोगों को समझ में नहीं आती है कि सबसे बड़ी चीज़ उन लोगों को लगेगी प्रैक्टिस। और वही चीज़ वहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे, मतलब वो सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो ये कह रहे थे सर हमने कि यार ट्राई किया सर, सारी चीज़ें हमने ट्राई किया लेकिन हम फिर भी बोल नहीं पा रहे हैं। तो यही दिक्कत है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, शुरुआत में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं सारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं वहीं पर कि यार अब तो हमसे बोल नहीं रहा है, यहाँ ये लोग हंस रहे हैं, हमारे साथ वाले हम पर हंस रहे हैं, तो यार अब हमें बोलना नहीं चाहिए। नहीं, उसके आगे आप लोगों को मतलब बढ़ते रहना है। थोड़ी सी मिस्टेक्स होगी तो आपको तभी तो पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी मिस्टेक हो रही है। आपकी आपको क्या करना पड़ेगा, उसी मिस्टेक को सुधारना पड़ेगा, उसे इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि यार आपने यार ये चीज़ें नहीं बनी तो आपको छोड़ देना है। बचपन में आप लोग जब साइकिल चला रहे थे, चलना सीख रहे थे, यदि आप पढ़े रहते चलना नहीं सीखते, है ना, कि यार मैं तो चलने पर गिर जाता हूँ तो क्या होता फिर? आप तो पढ़े रहते बेड पर, आप साइकिल चलाना सीखे, आप लोगों ने कितनी बार गिरे होंगे आप लोग, है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि यार साइकिल चलाना ही नहीं है यार हमको, तो ऐसा आप लोगों ने सोचा नहीं, आपने सोचा हम गिरेंगे उठेंगे और फिर से चलाना सीखेंगे। तो उसी तरह से आप लोगों को बोलना सीखना है और प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था न्यूज़पेपर, इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर है या इंग्लिश वाले जो आर्टिकल्स होते हैं इंटरनेट में, वो आप लोगों को पढ़ना शुरू करना है। और उसके अलावा फिर आप लोगों को जो इंग्लिश वाली जो बुक्स होती हैं, मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था पिछले वीडियोज़ में, आप चाहो चेक कर सकते हो, उन्हें पढ़ना शुरू कर देना है। तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी ग्रामर है जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत इजी होगी, इजी टू अंडरस्टैंड है वो, तो आप उसे पढ़ने की कोशिश करिए। और फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए डेली रूटीन में, जो भी चीज़ें होती है आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे, आप जिनसे भी आप मिल रहे हो उनसे आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। कंटिन्यू आप इंग्लिश में बात मत कीजिए, आप क्या कीजिए कि कोई भी आप बात कर रहे हो तो बीच बीच में इंग्लिश वाले सेंटेंसेस यूज़ कीजिए, भले ही वो लोग हंसेंगे लेकिन आप क्या करिए कि यूज़ कीजिए इंग्लिश वाले सेंटेंसेस बीच बीच में। तो इससे क्या होगा कि आपकी धीरे धीरे आदत बनेगी। जैसे आप लोग 3-5-6 सेंटेंस में आप लोगों ने हिंदी में बात किया तो बीच बीच में एक आध सेंटेंस, एक आध वर्ड आप लोगों ने इंग्लिश का उसमें ऐड कर दिया, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका हेजिटेशन भी दूर होता चला जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ होती है जो मेन पॉइंट है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों ने किया है ना, लेकिन फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस को छोड़ दिया तो भी आप लोगों को मतलब क्या होगा, काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भले ही आप कम से कम आधे घंटे भी नहीं तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तो भी आप दीजिए इस चीज़ को, यदि आप लोगों को सीखना है तो इंग्लिश में, यदि आप लोगों का हल्का सा भी इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा टाइम इसमें दीजिए। और थोड़ा सा टाइम देते देते धीरे धीरे आप लोगों की आदत पड़ जाएगी और आपके रूटीन में आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि यार ये नॉर्मली आपकी खुद की लैंग्वेज मदर टंग जैसे लगने लग जाएगी, तो आप इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स को मैंने टेंसेस बताया या स्टूडेंट्स की क्लास मैंने लिया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उन लोगों को बताया, तो उसे वो क्या करते हैं घर जाकर रिवाइज नहीं करते हैं और वो पूरा मतलब पूरा मटिया मेट हो जाता है उनकी पूरी, मतलब मेरी मेहनत तो खैर बेकार होती ही है, ऊपर से उनकी मेहनत उनका पैसा भी बर्बाद हो जाता है कि ये क्या चीज़ है कि यार हमने पढ़ नहीं पाए सीख नहीं पाए, उन्हें क्लासेस बना मतलब क्लासेस अच्छी लगी उनको, समझ में भी आ गया, तुरंत बोलते हैं हाँ सर हमको समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिए है, नोट कॉपी लेके चले गए। तो आप लोग क्या सिर्फ नोट कॉपी भरने के लिए बस आते हो क्या? आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे स्पीकिंग की तैयारी कर रहा हो, चाहे इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हो, या दुनिया भर के किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, कॉपी भरने में ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। डोंट फोकस, आप बोले नोटबुक में उसे नोट डाउन कीजिए, ओके, सो यूज़ द वर्ड नोटबुक और फिर नोटबुक को फिल करने में आप ध्यान मत दीजिए। डोंट फोकस ऑन फिलिंग द नोटबुक, फोकस ऑन प्रैक्टिस ऑलवेज, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एवरीवन। मतलब मैन को अकेले को नहीं बनाती है यार, मतलब सभी को, मतलब लड़का हो लड़की हो जवान हो बुजुर्ग हो, सभी को जो प्रैक्टिस होती है, जैसे प्लेयर भी होते हैं, फुटबॉलर्स जो होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, वो सभी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी तरीके से ये भी नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी इंग्लिश होती चली जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।